हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जैसे घर मकान बनाने के लिए जब आप ईंट मंगवाते हैं तो आप उसको गिनती कैसे करें। मैं आपको गिनती करने का सरल तरीका बताऊंगा। वैसे सबसे अच्छा सरल तरीका है कि आप जब भी ईंट जहां भी आप लगवाएं ईंट तो राउंड फिगर में रखें। जैसे कि आपको मैं गिनती करके दिखाता हूँ। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। मतलब कि एक लाइन में 40 सीट है। तो ये जो 40 सीट हुआ ये राउंड फिगर में हुआ। जैसे आपका 41 हो जाता, 42 हो जाता तो ये राउंड फिगर में नहीं होता, लेकिन ये 40 है तो राउंड फिगर में है। अब आपको क्या करना है कि जैसे एक लाइन आप गिनती किए तो हर लाइन गिनती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के बराबर आप ईंट लगवा सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये 40 था तो अब इसी के ऊपर ही अगर है तो ये भी 40 है, 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 ये भी 40 है। आपको अब इसमें गिनती करने में आसानी होगी। आप जहाँ से भी ईंट मंगवाएं तो वो क्या है, अपना हेरा फेरी नहीं कर सकता है, आप आसानी से गिनती कर सकते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए, मैं आपको 8 जो लाइन है तो मैं इसको हिसाब लगाने का आपको तरीका बताता हूँ कि जैसे अब एक लाइन में 40 था और ये 8 लाइन है तो ये हमारा 8 लाइन ईंट कितना होगा। तो देखिए, उसका हिसाब करने का तरीका ये है कि जैसे देखिए, एक लाइन में हमारा 40 ईंट था, एक लाइन में 40 ईंट और हमारा जो लाइन है वो 8 है, 1, 2, 3, 8 है, तो इसको 8 से हम गुना कर देंगे। यह देखिए, 8 से गुना कर देंगे तो सुनना, और 8 चौक 32, यह देखिए, तो ये 320 ईंट हुआ, 320 ईंट। तो ये है जो ईंट आप अपने मकान बनाने के लिए जब ईंट गिरवाते हैं तो आपको गिनती करने का ये सरल तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखाया। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।